हेलो गाइज, मैं नाम रितेश जेसानी, आप देख रहे हैं आज रिव्यू एंड अपडेट। तो आज मैं बात करना रहा हूँ इस हफ्ते कौन कौन सी मूवी और सीरीज है जो आपके वीकेंड को स्पेशल बनाने वाले। तो यही कुछ लिस्ट जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और साथों साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बात कर लेते हैं इस हफ्ते की नेटफ्लिक्स की रिलीज को लेके। तो नेटफ्लिक्स पे आपको 20 अप्रैल की, तो 20 अप्रैल को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीरीज देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है द मार्केट आर्ट, और ये सीरीज आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। अगर बात करें सेकंड कंटेंट की तो वो भी एक सीरीज है जिसका नाम है याकाजा मोर्स S245, और ये आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो फिर बात करें थर्ड कॉन्टेंट की तो थर्ड कॉन्टेंट रशियन डोल का सीजन 2 है, वो ये सीरीज आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। तो फिर बात करें फोर्थ कॉन्टेंट की तो वो एक मूवी है जिसका नाम द टर्निंग पॉइंट, और जी हाँ ये सिर्फ आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। तो बात करें 21 अप्रैल की तो 21 अप्रैल को आपको इज एक्सपेक्टिंग का सीजन 1 देखने को मिल जाएगा, और सिर्फ आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। तो बात करें 22 अप्रैल की तो 22 अप्रैल को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीरीज देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है हार्ट टॉपर, और जी हाँ आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें सेकंड कॉन्टेंट की तो वो एक मूवी है जिसका नाम है अलोंग फॉर द राइड, और जी हाँ ये भी आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो फिर बात करें थर्ड कंटेंट की तो वो एक रियलिटी शो है जिसका नाम है सेलिंग सनसेट, और जी हाँ आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। तो फिर बात करें इस हफ्ते की प्राइम वीडियो के रिलीज को लेके, तो प्राइम वीडियो पे आपको 21 अप्रैल को फर्स्ट ऑफ ऑल एक मूवी देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है ओ माय डॉग, और जी हाँ ये सिर्फ आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। तो फिर बात करें इस हफ्ते के फ्राइडे की रिलीज को लेके, यानी कि 22 अप्रैल की रिलीज को लेके, तो 22 अप्रैल को आपको प्राइम वीडियो पे बहुत सारा कॉन्टेंट देखने को मिल जाएगा जिसमें सबसे पहला कॉन्टेंट जो की गोल्टी माइन का सीजन 1 है, वो जी हाँ ये सिर्फ आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। अगर बात करें सेकंड कंटेंट की तो वो एक मूवी है जिसका नाम है किंग रिचर्ड, और जी हाँ ये भी सिर्फ आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। अगर बात करें थर्ड कंटेंट की तो वो स्टार्टेड पिकार्ड के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 है, और जी हाँ ये आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो बात करें इस हफ्ते की डिज्नी प्लस हॉटस्टार की रिलीज को लेकर, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 20 अप्रैल को ही मून नाइट सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4 देखने को मिल जाएगा, और जी हाँ आपको हिंदी के साथ साथ अदर लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें सेकंड कंटेंट की तो वो एक कोरियन सीरीज है जिसका नाम है स्टोन रॉप, और जी हाँ ये सीरीज का सीजन 1 है, और इसका आपको एपिसोड नंबर 11 देखने को मिल जाएगा, और जी हाँ ये आपको कोरियन ओरिजिनल के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो फिर बात करें इस हफ्ते की वुड सिलेक्ट की रिलीज को लेकर, तो वुड के प्लेटफॉर्म पे आपको इस हफ्ते 21 अप्रैल को 2 कॉन्टेंट देखने को मिलेगा जिसमें सबसे पहला कॉन्टेंट जो की एक इंडियन सीरीज है जिसका नाम है लंडन फाइल्स, और जी हाँ आपको ऑफकोर्स हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें सेकंड कंटेंट की तो वो हेलो सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5 है, वो जी हाँ आपको हिंदी के साथ साथ अदर लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगा। तो फिर बात करें इस हफ्ते की सिनेमा रिलीज को लेके, तो सिनेमा में आपको इस हफ्ते 22 अप्रैल को बहुत सारे मूवी देखने को मिलेगी जिसमें सबसे पहला मूवी जो की बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से आ रहा है जिसका नाम है जर्सी, वो जी हाँ आपको ऑफकोर्स हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें सेकंड मूवी की तो वो भी बॉलीवुड की तरफ से आ रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन रोमियो, और जी हाँ ये भी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें थर्ड मूवी की तो थर्ड मूवी हॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है जिसका नाम है द नॉर्थ मैन, और जी हाँ ये सिर्फ आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। तो अगर बात करें फोर्थ मूवी की तो फोर्थ मूवी भी हॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है जिसका नाम है सोनिक द हेजोक 2, और जी हाँ ये आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें फोर्थ मूवी की तो वो तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है जिसका नाम है कृष्णा वृंदा विहारी, वो जी हाँ ये सिर्फ आपको तेलुगु ओरिजिनल में ही देखने को मिलेगी। अगर बात करें सिक्स्थ यानी कि लास्ट मूवी की जो की मराठी इंडस्ट्री की तरफ से आ रही जिसका नाम है शेर शिवाय, वो जी हाँ सिर्फ आपको मराठी ओरिजिनल में ही देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यही कुछ थी इस हफ्ते की OTT रिलीजेस। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से शो या फिर सीरीज के लिए एक्साइटेड है। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू या फिर अपडेट में, तब तक के लिए मेरे चैनल के दूसरे रिव्यू या फिर अपडेट को एंजॉय करें। टिल देन, बाय।